गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला में चैप्टर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है अद्भुत हिरन। तो इस चैप्टर में हम हिरन के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी है एक हिरन की। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले गंगा की तराई में एक घना जंगल था, यानी कि पहाड़ों के आसपास की जो भूमि होती है उसको कहते हैं तराई। तो गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक नदी थी, नदी बहती थी। जंगल में हिरणों की संख्या बहुत अधिक थी। हिरणों के साथ साथ कई हिंसक जानवर भी वहाँ रहते थे। वे हिरणों के लिए खतरा थे। दोपहर में जब सभी हिंसक जानवर आराम कर रहे होते, तब हिरणों का झुंड उस नदी पर पानी पीने आता था, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित समय था। वैसे तो इन जंगलों में हिरणों के कई झुंड थे, परंतु एक झुंड ऐसा भी था जिसका सरदार काला हिरण था। यानी कि जो हिरणों का झुंड था उसमें जो जिनका सरदार था वो एक काला हिरण था, काले रंग का था। काला हिरण दूसरे हिरणों से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। झुंड को अपने सरदार पर पूरा विश्वास था। वह जितना बुद्धिमान था उतना ही सीधा और सरल था। वह अपने कर्तव्य का पालन जी जान से करता था। काला हिरण देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आँखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। एक दिन की बात है, जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफ़ी खोजने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। दोपहर का समय था, सूरज तप रहा था, प्यास के मारे सभी का बुरा हाल था। शिकारी पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें नदी दिखाई पड़ी। शिकारियों ने जी भरकर पानी पिया और वहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। अभी उन लोगों की ठीक से आँख भी नहीं लगी थी कि कुछ आवाज़ें आईं। आवाज़ें सुनकर सभी चौकन्ने हो गए। ये आवाज़ें हिरणों के झुंड की थी जो पानी पीने आया था। इस समय भी काला हिरण सभी हिरणों का नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया था, इसलिए शिकारियों के बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया, यानी कि गायब हो गया। जैसे ही उन्होंने शिकारियों को देखा वो वहाँ से गायब हो गए। शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया, पर सभी हिरण छुपे हुए थे और शिकारियों ने समझा कि वे भाग गए। शिकारी दूसरी तरफ चले गए। हिरणों ने समझा कि उन पर आई विपत्ति टल गई, परंतु शिकारियों ने हिरणों के सरदार काले हिरण को देख लिया। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरण को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारियों को बुलवाया। शिकारियों ने हिरण को पकड़ने के लिए जाल को नदी के किनारे बिछा दिया। उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड नदी पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरण आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड नदी की ओर बढ़ा। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों के पीछे छिपते छिपते हिरणों के पीछे पहुँच गया और हवा में फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुनते ही हिरण इधर उधर भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में काला हिरण जाल में फंस गया। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। राजकुमार बाकी हिरणों को भगा देना चाहता था, मगर यह क्या, काले हिरण को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरण भागते भागते रुक गए और एक गोला बनाकर काले हिरण के चारों तरफ खड़े हो गए। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। वहाँ एकता का एक दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लगता था मानो सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे। तभी हिरणी घेरे से बाहर निकली। काला हिरण कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। हिरणी की आंखें आंसुओं से भीगी थी। वह धीरे धीरे हिरण के पास गई और अपने सींगों से उसे सहलाने लगी। राजकुमार थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके आगे जाने पर हिरणी भाग खड़ी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह उसी तरह काले हिरण को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरणी को पकड़ सकता था, किंतु वह इस समय सब कुछ भूल चुका था। उसे सामने का दृश्य सपने जैसा लग रहा था। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरणी की करुणा भरी मूक वाणी ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। काले हिरण को छोड़ दिया गया था। थोड़ी ही देर में हिरण का झुंड आँखों से ओझल हो गया। राजकुमार और सभी शिकारी वापस लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरण उसके बाग में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गईं। दिन निकलने ही वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा। सचमुच काला हिरण अपनी हिरणी के साथ खड़ा था। राजकुमार तुरंत बगीचे में आया। हिरण हिरणी को प्यार से पुचकारा, थोड़ी देर उसके साथ खेलता रहा, फिर दोनों छलांग लगाकर जंगल की ओर चले गए। अब प्रतिदिन वे दोनों राजकुमार से मिलने उसके बगीचे में आने लगे। जब यह राजकुमार राजा बना तो इसने जंगली जानवरों के शिकारों पर रोक लगा दी। तो ये है कहानी काले हिरण की।